मेरे पास लेफ्ट ओवर रोटी बची हुई है, तो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि मम्मी मुझे भूख लगी हुई है तो कुछ मेरे लिए बना दो इवनिंग स्नैक्स में। तो मैं सोच रही हूँ कि लेफ्ट ओवर रोटी से उनके लिए टैकोज बनाया जाए, जिससे हमारे बच्चे इसको टैकोज को इंजॉय कर सके। आपके पास अगर लेफ्ट ओवर रोटी बचती हैं तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए टैकोज बना सकते हैं, और यकीन मानिए आपके बच्चे टैकोज खा करके बहुत ही इंजॉय करेंगे। चलिए हम इसके लिए मिक्सर बनाना शुरू करते हैं। टैकोज बनाने के लिए सबसे पहले स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 स्पून ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज का प्याज लिया था, उसको लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसको हल्का सा सौते कर लेते हैं। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें पनीर के पीसेस डाल देती हूँ, और इसको भी हल्का सा हम भून लेते हैं पनीर को, क्योंकि पनीर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए टैकोज में हम थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर रही हूँ। पनीर में भी थोड़ा सा कलर आ चुका है। अब मैं इस स्टेज पर बॉइल्ड किए हुए आलू डाल देती हूँ। मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए थे, उनको मैश कर लिया है। चलिए अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ऑर्गेनो, और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए हम डाल रहे हैं इसमें चाट मसाला, और साथ में डालेंगे हम कटी हुई हरी धनिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं, और अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मिक्सचर बहुत ही यम्मी बनकर के तैयार हुआ है। चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। चलिए अब हम एक रोटी की 1/2 पार्ट में टमाटो केचप लगा देते हैं। और मैंने जो मिक्सचर तैयार किया हुआ था, और इस सॉस के ऊपर ना मिक्सचर रख देती हूँ। चलिए अब हम इसमें ग्रेटेड चीज डाल देते हैं। चीज खा करके तो बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। चलिए अब हम इसको टोस्ट कर लेते हैं। मैंने तवे पर बटर स्प्रेड कर दिया है। अब मैं टैकोज को इस तरीके से वन साइड से कलर ले लेते हैं। इसकी दूसरी साइड भी बटर लगा देते हैं, इसको टर्न कर लेते हैं, क्योंकि हमारे एक साइड से कलर आ चुका है। ये देखिए कितना मस्त कलर आया हुआ है। हमारी चीज़ है वो अंदर से भी मेल्ट हो रही है। दोनों साइड से कलर आ चुका है, तो मैं इस तरीके से और थोड़ा सा कलर ले लेती हूँ, और बाकी के टैकोस इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। इस प्रकार हमारा यम यम टैकोस बनकर के तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को अपने अपने घरों में जरूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए आप लोगों को, आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।